विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने आज चट्टी बरियातू स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केरेडारी प्रखंड अध्यक्ष गोविंद माली ने एनटीपीसी प्रबंधन केरेडारी चट्टी बरियातू और आउटसोर्सिंग एजेंसी ऋत्विक एएमआर पर कई गंभीर आरोप लगाए। माली ने कहा कि त्रिपक्षीय वार्ता नहीं करने और एनटीपीसी प्रबंधन केरेडारी चट्टी बरियातू द्वारा दोहरी चरित्र अपनाने भू रहितों के साथ छल करने के विरोध में आगामी 21 फरवरी को एमजीओ कॉलोनी चट्टी बरियातू का घेराव किया जाएगा। इस बाबत उन्होंने आगे कहा कि विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा चट्टी बरियातू केरेडारी लिखित अधिसूचना जारी कर प्रखंड प्रशासन केरेडारी और जिला प्रशासन हजारीबाग को लिखित रूप से सूचित करती है कि उपायुक्त वर्णीय तथ्य और विस्थापित प्रभावित रहितों के 13 सूत्री मांग पत्र समेत अन्य मांग को केरेडारी चट्टी बरियातू एनटीपीसी प्रबंधन द्वारा अनुपालन नहीं करने के एवज में एमजीओ कॉलोनी घेराव और विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न संभावित विधि व्यवस्था की समस्या का जिम्मेदार एनटीपीसी केरेडारी चट्टी बरियातू और आउटसोर्सिंग एजेंसी ऋत्विक एएमआर की होगी। स्वदेश वाणी के लिए केरेडारी से अनिल माली की रिपोर्ट। मोर्चा के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित किया गया है, प्रेस वार्ता का मकसद क्या है? आज दिनांक 11/2/2022 को विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा का प्रेस वार्ता किया गया। त्रिपक्षीय वार्ता नहीं करने और एनटीपीसी प्रबंधक केरेडारी चट्टी बरियातू द्वारा दोहरी चरित्र अपनाने भू रहितों के साथ छल बल करने के विरोध में आगामी 21 फरवरी को एमडीओ कॉलोनी चट्टी बरियातू का घेराव करने के संबंध में विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा चट्टी बरियातू केरेडारी लिखित अधिसूचना जारी कर सूचित करती है और कि उपरोक्त वर्णीय तथ्य और विस्थापित प्रभावित रहितों के 13 सूत्री मांग पत्र समेत अन्य मांग को केरेडारी चट्टी बरियातू एनटीपीसी प्रबंधक द्वारा अनुपालन नहीं करने के एवज में एमडीओ कॉलोनी घेराव और विरोध प्रदर्शन के दौरान उत्पन्न समापित विधि। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।